हेलो फ्रेंड्स, शीलास फूडशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी प्याज पत्ती और बेसन के पराठे। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए घंटी जरूर दबाएं। मैंने ये प्याज पत्ती ली है, ये काला नमक, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, पिसा जीरा। प्याज पत्ती को साफ कर लेंगे, इसके छिलके इस तरह से उतार लीजिए। प्याज पत्ती को मैंने अच्छे से सफा कर ली है। प्याज पत्ती का ऊपर का जो पोर्शन है इसे हम कट कर देंगे, क्योंकि इससे हम पराठा नहीं बना सकते। अगर ये पराठा में हम डालेंगे तो पराठा हमारा फट जाएगा बेलते समय। इसके दो भाग कर ले। एक बाउल में पानी ले और प्याज पत्ती को इसमें डाल के इस तरह से धो ले, मट्टी और होगी वो निकल जाएगी। चॉपर बोर्ड लिया है मैंने, इसे आप बारीक बारीक कट कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक कट करें। मैंने प्याज पत्ती को चॉप करके नहीं धोया है, क्योंकि इसमें चॉप करके धोने से इसमें ज्यादा पानी रह जाएगा, इससे हमारा पराठा फट सकता है। प्याज पत्ती मैंने बारीक चॉप कर ली है और इसे एक बाउल में रख दे। एक बाउल लिया है। अब हम प्याज पत्ती और बेसन के पराठे का डो तैयार करेंगे। हाफ कप आटा, 1 पिंच नमक, 1 टीस्पून तेल, इससे हमारा पराठा सॉफ्ट बनेगा। थोड़े थोड़े पानी की सहायता से डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा तैयार हो चुका है। डो को 10 मिनट के लिए ढक दे, इससे हमारा डो थोड़ा सा भीग जाएगा, इससे पराठे अच्छे बनेंगे। डो को 10 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा तेल डालें और इसे अच्छे से मथ लें। आटा हमारा अच्छे से मथ चुका है। एक बाउल लें, मैंने जो प्याज पत्ती बारीक चॉप की थी ये पूरी डाल दें। 1 टेबल स्पून बेसन, आप चाहे तो बेसन को थोड़ा सा भून भी सकते हैं, मैंने ये कच्चा बेसन लिया है। ये काला नमक है, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और इन्हें मिला लें। आटे की लोई लेंगे, लोई पे सूखा आटा लगा लें और इसे गोल गोल बेल लें। ये जो मसाला मैंने तैयार किया है वो 1 चम्मच इसमें डालेंगे और इसे फोल्ड कर दें और सूखा आटा लगा लें और इसे बेल लें। पराठा हमारा बेल के तैयार हो चुका है। मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, आप चाहे तो लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें पराठा डाल दें और 2 मिनट इसको सिकने दें। कच्चा पराठा ना पलटाएं, पराठा हमारा एक साइड से सिक चुका है, इसे पलटा दें और गैस को लो फ्लेम कर दें। 1 चम्मच घी पूरी जगह फैला दें और इसे पलटा दें। फिर से एक साइड घी लगाएं और इसे पलटा दें। पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है, पराठा सर्व करने के लिए तैयार है। उसी तरह से हम दूसरा पराठा सेकेंगे। पराठा एक साइड से सिक चुका है, इसे पलटा दें। 1 चम्मच घी, दूसरे साइड से भी पराठा सिक चुका है, इसे पलटा दें। पराठा सर्व करने के लिए तैयार है। पराठे हमारे तैयार हैं खाने के लिए। कितने सॉफ्ट बने हैं। आप इसे सॉस या धनिया पुदीने की चटनी, टमाटर की चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं।